देगा बेटा टॉपरा कर इज्जत से लेकिन पास में आ चुकी है आइकू सोल। फटाफट से उतरना पड़ेगा गाड़ी से, शॉट्स आ सकते हैं। चलिए हमारे सामने की तरफ जेली ओपन में है बट राइट नाउ हिज ओनली होल सोल कंसर्न इज टू गेट बिहाइंड द कवर और उसके बाद शॉट लेना व्हिच इज द राइट थिंग। लेकिन अभी गाड़ी को डिफेंड करना भी जरूरी है। स्किप्स द्वारा स्प्रे डाउन कर दिया गया है यहाँ पे मानिया को, बड़ी प्रॉब्लम में। रॉनी पे भी कुछ शॉट्स करेक्ट होते हुए लेकिन रॉनी तो सरवाइव करेंगे। बट अब XFM से खेला करते थे खिलाड़ी, अभी iFlix नाम से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड फाइनली जाके टीम गॉड लाइक वापस से एंगेज करती हुई ग्रेनेड निकाला है। रॉनी है ऊपर, मॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगेन इज गोना गो फॉर द ग्रेनेड, टच हुआ है, प्लास डैमेज लगा है यहाँ पे। एक और ग्रेनेड किया जाएगा। इतने सारे ग्रेनेड, इट सीम्स लाइक अ दिवाली। सोलस पावर, आइकू सोलस पावर ने अपने लिए नॉक निकाला है। गॉड लाइक के मैक इज डाउन और अब सिचुएशन इवन स्टीवन हो चुकी है। गेम जोन मुश्किल होती नजर आएगी बिलाल के लिए, जिन्होंने एक फ्लैंकिंग एंगल क्रिएट तो जरूर करके रखा हुआ है। रॉनी उनके ऊपर वो जो ग्रेनेड आएगा स्केप्स का, कहीं ना कहीं ये अब एक वैल्यू क्रिएट करने वाला है और दूसरे खिलाड़ी को झुलसाया जाएगा। एक को ग्रेनेड के चलते, दूसरे को मोल्टोव के चलते। स्केप्स ने कह सकते हैं काफी हद तक ये परिस्थिति अपने अनुकूल कर दिया, लेकिन नकुल क्या अभी के लिए अपने अनुकूल करके दिखा पाएंगे? टीम गॉड लाइक के ऊपर जो थर्ड पार्टी आ चुकी है ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है उन्हें। It does seem like a blessing in disguise, but unfortunately Jelly is going to have the last laugh. Grenade किया गया Jelly द्वारा और फाइनली टीम